भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर पीएससी चयन घोटाले को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार चल रही है, सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। इस माफिया राज की कड़ी में पीएससी है और जो अन्य भर्ती एजेंसियां हैं वहां पर भी कांग्रेस ने माफिया राज स्थापित किया है। हाईकोर्ट द्वारा पीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 13 नियुक्तियों पर रोक लगाने के बाद ओपी चौधरी ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से पूछा कि तथ्य मिलने पर जांच की बात कहने वाले अब मौन क्यों हैं? मीडिया जगत के सभी पत्रकार साथियों को, पत्रकार भाइयों बहनों को मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि कांग्रेस की सरकार माफियाओं की सरकार है और कांग्रेस ने हर जगह माफिया राज स्थापित कर दिया है। शराब में माफिया, कोयला में माफिया, रेत में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, गौठान में माफिया, सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। उसी माफिया राज की कड़ी में जो पीएससी है और जो भर्ती एजेंसियां हैं उस पे जो माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है वो अत्यंत ही दुखद है। वो छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के लिए, छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए, जो हमारे प्रदेश की आने वाली पीढ़ी है, उनके बीच में हताशा और निराशा को संचारित करने वाला है। और आज पूरा छत्तीसगढ़िया यूथ, छत्तीसगढ़िया भाई बहन हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं क्योंकि सरकार ने पीएससी के माध्यम से अनेक प्रकार के गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। अभी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और खुद जब सारे तरह के माफियाओं को पनपा रहे हैं तो वो कैसे किसी चीज के लिए सामने आकर के पारदर्शिता के साथ सही ढंग से काम करने के लिए वो कह सकते हैं या कोई कार्रवाई करा सकते हैं। पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पिछले हफ्ते ही और उसमें जो सोशल मीडिया में बातें आई थी पूरी तरह से उसको हमने उजागर करने का काम किया था कि कैसे अलग अलग आंसर शीट में किस किस तरह से अंक दिए गए। हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछा गया तो वहां वीर नारायण सिंह जी के बारे में जो लिखा उसको हनुमान सिंह जी के बारे में लिखने वाले से ज्यादा अंक मिल गया। मैथमेटिक्स के, गणित के प्रश्न में आंसर गलत लिख रहा है, पूरे में पूरे अंक मिल गए। फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड दो अभ्यर्थी लिख रहे हैं, एक को कम एक को ज्यादा अंक मिल जा रहे हैं। आईने दहशाला के संदर्भ में आया कि वो राजस्व व्यवस्था थी लेकिन वो 10 आईना रखता था, एक आईने का एक दिन प्रयोग करता था, उसमें कंघी करता था, जो भी लिखा उसको नंबर मिल गए। इस तरह की बातें सामने आई थी और इनसे भी महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में सबको दिखाई दे रहा है कि जो अंक मिलते हैं उसको भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों अलग अलग स्कोर देते हैं लेकिन सभी क्वेश्चंस में सब में बराबर बराबर अंक दे दिए गए। इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है। मीडिया के अनेक साथियों ने, अनेक चैनलों ने, अनेक यूट्यूब चैनलों ने रायपुर में, बिलासपुर में छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के बीच में वे गए और लगातार युवा साथियों से चर्चा की। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे वो सारे वीडियो हैं। आप लोग की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया है। इस तरह की स्थितियां जब पूरे माननीय उच्च न्यायालय जब खुद बोल दी उसके बाद भी न भूपेश बघेल जी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने माफिया राज पीएससी में स्थापित कर रखा है। जो एटीएम गांधी परिवार के लिए उन्होंने तैयार किया है उसमें पैसा भरना है तो पैसा भरने का जगह उन्होंने पीएससी को भी बना रखा है। इसलिए ना भूपेश बघेल जी खुद बोलते हैं और ना ही भूपेश बघेल के एटीएम के बोझ तले दबे होने के कारण राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पूरा युवा आक्रोशित होकर के रेल में जाकर बोल रहा है। बिलासपुर में लल्लन टॉप एक चैनल पे, मैं किसी चैनल का जनरली नाम नहीं लेता लेकिन लल्लन टॉप चैनल पे आप देखिए कि युवा किस तरह से ऊपर, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के आम युवा भाई बहन है, छत्तीसगढ़ के
सामान्य घरों से आए हुए युवा हैं, उनके पेरेंट्स ने, किसी के पेरेंट्स ने जमीन बेचकर, किसी के पेरेंट्स ने गहना बेचकर उनको उनके भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उनको भेजा है। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया से आईएएस की तैयारी के दौरान गुजरा हूं, इसलिए उस दर्द को मैं समझ सकता हूं। इसलिए क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जब पूरे प्रदेश में इस तरह का हताशा निराशा युवा भाई बहनों के बीच में बैठा हुआ है? भूपेश बघेल जी को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, हम लोकतंत्र में एक विपक्ष की का धर्म को हम निभा रहे हैं, लगातार जनता जनार्दन के बीच में मुद्दे को ला रहे हैं, सदन हो, सड़क हो, पीएससी के मामले में मुख्यमंत्री निवास का भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घिराव किया था। हर स्तर की लड़ाई, सदन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और हमारे प्रदेश नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। चौधरी जी, आप पीएससी के मामले को लेकर बहुत बेरोजगार दुकानें उठाई गई थी नहीं, निश्चित रूप से अगर किसी के साथ कुछ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देगी। 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार है। फिलहाल अभी पीएससी के मुद्दे पर हम चर्चा करें, अगर मेरे को और बाइट चाहिए तो मैं अलग से दे दूंगा। देखिए, जो युवा सामने आता है उसको नोटिस देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। जो कोचिंग वाला आता है, उस कोई कहीं सामने आता है उस पर रेड मारी जाती है, उसके जीएसटी की रेड करा देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। तो इसलिए सामने में हम किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहते। लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए युवा भाई बहन वो अपने आक्रोश को, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं, और इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में है जो लगातार अलग अलग रूपों में संपर्क कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी और अन्य आप लोगों के चैनलों को भी संपर्क कर रहे होंगे। और आपने खुद देखा कि ललन टॉप के वीडियो में किस तरह का आक्रोश युवा भाई बहनों के मन में था।